जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? तो कैसे आप लोग, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और दोस्तों एक जन ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब भैया 20 से 25 हजार के अंदर कोई अच्छा वाला टैब के बारे में बताओ। मैंने तो उसे क्या कमेंट में रिप्लाई दे दिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता पाऊं कि 20 हजार के अंदर कौन से टैब अच्छे होने वाले। मतलब आपका अगर बजट 20 हजार है और आप एक अच्छा टैबलेट ढूंढने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप 5 टैबलेट के बारे में जो 20 हजार के अंदर आता हो। तो दोस्त आप एक 20 हजार के अंदर टैबलेट लेने वाले हो, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे चीज को ध्यान में देना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग फोन लेने के टाइम पे बोलते हैं कि मतलब मेरे वीडियो में तो मैं बताता हूँ कि आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन उस फोन के अंदर होना ही चाहिए। आप 20 हजार के अंदर लो या 30 हजार के अंदर लो, तो वैसे टैब में भी आप अगर 20 हजार के अंदर एक टैब लेना चाहते हैं तो आपको ये सारे स्पेसिफिकेशन उस टैब के अंदर होना ही चाहिए। एक बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए, कम से कम 10 इंच का डिस्प्ले हो, 2K हो तो अच्छा है, नहीं तो फुल HD+ डिस्प्ले होना ही चाहिए। बड़ा बैटरी होना चाहिए, 7000 mAh का कम से कम बैटरी होना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा कैमरा होना चाहिए, कम से कम 8 MP का अगर रियर कैमरा हो तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि बहुत टाइम पे मतलब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने के लिए काम में आता है। एक अच्छा चार्जर हो तो अच्छा है, मतलब फर्स्ट चार्जर हो तो अच्छा है, नहीं तो 15 से 20 वाट का चार्जर होना ही चाहिए। ये सारे चीज को आपको जरूर से ध्यान देके एक टैबलेट को परचेस करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो एक छोटा सा काम कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो। मेरा नाम है सोमेन, आप देख रहे हो टेक्नो गैंग। सो बढ़ते हैं टॉप 5 टैबलेट अंडर 20,000 के तरफ। पहले टैबलेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों मैं ये वाला टैबलेट उन लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा जो लोग एक ब्रांड वैल्यू और साथ ही में इजी यूआई चाहते हैं। मैं जैसा मतलब एक इजी यूआई चाहता था, ब्रांड वैल्यू चाहता था, मैंने भी एक सैमसंग का ही टैबलेट यूज कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों को सैमसंग का ही टैबलेट बताने वाला हूँ। मेरे पास जो है वो है सैमसंग A7 लाइट वाला, जो LT वाला है, 15,000 के नीचे आता है। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग टैब A8 के बारे में। फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10.5 इंच की फुल HD+ TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको यूनिसॉक्स T618 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी 15 वाट के चार्जिंग के साथ। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 8 MP का रियर कैमरा और 5 MP का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। प्राइस के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4GB 64GB की वेरिएंट देखने को मिलेगा, और एक LT वाला आता है और एक वाईफाई वाला आता है। वाईफाई वाले का प्राइस यहाँ पे 20,000 देखने को मिलेगा और LT वाले का प्राइस यहाँ पे 21,000 देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब सैमसंग अगर मतलब आप ब्रांड वैल्यू चाहते हैं, इजी यूआई चाहते हैं, तो आप सैमसंग वाला चूज कर सकते हैं। अगले टैबलेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों जिन लोगों को एक हल्का फुल्का स्टाइलिश टैबलेट चाहिए वो लोग ये वाला टैबलेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ओप्पो पैड एयर के बारे में। जैसा ये नाम में है वैसे ही ये हल्का फुल्का भी है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों 10.3 इंच की 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 680 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 7100 mAh का बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 8 MP का रियर कैमरा, 5 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 4GB 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी और ये वाईफाई वाला ही आता है, और इसका प्राइस यहाँ पे 17,000 के करीब देखने को मिलता है। मतलब 17,000 में एक वाईफाई वाला टैबलेट और 2K डिस्प्ले एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि डिस्प्ले बड़ा होने से डिस्प्ले रेजुलेशन भी हाई होना चाहिए। नहीं तो मतलब क्या, वीडियो वगैरह जो भी आप देखते हो या फोटोज देखते हो तो मतलब उतना मजा नहीं आएगा, डिस्प्ले अच्छा है तो मजा आ जाएगा। अगले टैबलेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों आप एक सस्ते में अच्छा खासा टैबलेट ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारा फीचर्स आपको देखने को मिले, तो आप ये वाला टैबलेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ Realme Pad के बारे में। बहुत ही अच्छा खासा तगड़ा फीचर्स के साथ ये टैबलेट आता है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10.4 इंच की 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अच्छा डिस्प्ले है, मतलब एक अच्छा बड़ा टैबलेट के लिए अच्छा डिस्प्ले होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको Helio G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अच्छा खासा प्रोसेसर है, बहुत फोन और बहुत टैबलेट में ये प्रोसेसर यूज होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 7100 mAh का बैटरी भी देखने को मिलता है और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है। प्राइस के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर आपको 4GB 64GB की वेरिएंट देखने को मिलता है, और खास बात जो है वो है LT वाला है, और ये आपको 18,000 रुपए में मिल जाएगा। मतलब 18,000 रुपए में LT वाला, साथ ही में 2K डिस्प्ले, बहुत ही एक अच्छा खासा डील साबित हो सकता है आपके लिए। आप ये वाला टैबलेट देख सकते हैं। अगले टैबलेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों आप अगर एक पैसा वसूल वाला टैबलेट चाहते हैं, मतलब आपका पैसा पूरी तरह से वसूल हो जाए इसके फीचर्स फंक्शन देख के, तो आप ये वाला टैबलेट
देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Motorola Tab G62 के बारे में। फीचर्स एकदम तगड़ा दिया हुआ है इस टैबलेट के अंदर। फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों 10.6 इंच की 2K डिस्प्ले देखने को मिलता है, Snapdragon 680 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 7700 mAh की बैटरी देखने को मिलता है और 20 वाट का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, मतलब आपको रियर कैमरा से फोटो लेना है या डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो परफेक्टली हो जाएगा। आप अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है तो आपको एक परफेक्ट पिक्चर क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि फ्रंट में 8 मेगापिक्सल है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर आपको 4GB 64GB की स्टोरेज देखने को मिलता है, और बड़ी बात है कि इसके दो वेरिएंट देखने को मिलेगा। एक 16,000 में मिलेगा वो है वाईफाई वाला, और आपको एक 18,000 में मिलेगा वो है LTE वाला। मतलब आप बाहर जाइए सिम लगाइए 18,000 वाला, तो मेरे हिसाब से अगर आप 16,000 देके वाईफाई वाला लेंगे उससे अच्छा के मतलब थोड़ा सा पैसा ज्यादा देके आप LTE वाला ले लीजिए। मतलब बाहर आपको दिक्कत तो नहीं होगा, सिम लगाइए यूज कीजिए, और डिस्प्ले इसका बहुत ही तगड़ा डिस्प्ले है। अगले टैबलेट के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये वाला टैबलेट इस लिस्ट में टॉप में आता है, टॉप वाला टैबलेट है ये वाला। इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो दोस्तों इसका परफॉर्मेंस कुछ इस तरह है। आग लगा दी। दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Realme Pad X के बारे में। इसके अंदर आपको बहुत ही तगड़ा फीचर्स देखने को मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 10.9 इंच की 2K डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा, 8300 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और साथ ही में दोस्तों बात करूं अगर प्रोसेसर की तो इसका प्रोसेसर प्लस पॉइंट पे है। इसके अंदर आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यस Snapdragon यहाँ पे आपको 695 का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि ये 5G वाला टैबलेट है? नहीं दोस्तों, ये 5G वाला नहीं है। 5G वाला वेरिएंट भी इसका आता है, वो 25,000 के करीब प्राइस है, तो उसको छोड़िए, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा उसके बारे में। ये वाईफाई वाला है और ये आपको 20,000 रुपए में मिलता है। इसके अंदर आपको 4GB 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों यही पे खत्म करते हैं बेस्ट 5 टैबलेट अंडर 20K। सो साथ ही में दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब जितने भी मैंने टैबलेट के बारे में बताया, ये सारे टैबलेट, ये जो Amazon का सेल आने वाला है या Flipkart का सेल आने वाला है, ये सारे टैबलेट आपको और थोड़ा सस्ते में देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मतलब कुछ बेस्ट फोन के बारे में बताया हुआ है, अंडर 20,000 के अंदर 5 बेस्ट फोन, अंडर 30,000 के अंदर 5 बेस्ट फोन, वैसे आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। उन सारे स्मार्टफोन के मैं यहाँ पे आई बटन पे दे रहा हूँ वीडियो, सो आप जाके चेकआउट कीजिएगा, और वो सारे स्मार्टफोन आपको वो जो Amazon और Flipkart के सेल आने वाले उसमें भी जो प्राइस मैंने बताया उससे थोड़ा डिस्काउंट में ही देखने को मिल जाएगा। सो आप जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही में दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में पास में रखा हुआ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मतलब अच्छा खासा वीडियो मैं दे रहा हूँ इस वीडियो को, मतलब ऐसे ही अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो बेल नोटिफिकेशन तो ऑन रखना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, जय हिंद।